तो दोस्तों बहुत सारे लोग तो नया मोबाइल लेते हैं, मगर बहुत सारे लोग तो जाकर सेकेंड हैंड भी लेते हैं। जैसे कि आप मार्केट में हो या किसी से, आप फ्रेंड से हो या किसी और से आप लेते हैं सेकेंड हैंड मोबाइल। मगर दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि आपका पैसा वेस्टेड भी जाती है, जैसे कि आपको नॉलेज नहीं रहती उतना किस मोबाइल के अंदर क्या प्रॉब्लम है क्या प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि दोस्तों जब भी कोई सेकेंड हैंड मोबाइल बेचता है कोई भी, तो वहां पे कुछ ना कुछ आपको प्रॉब्लम रहेगी, तभी जाके आपको मोबाइल देगा। मगर आपको नहीं मांग पता रहती है कि आप इसके मोबाइल के अंदर क्या प्रॉब्लम है क्या प्रॉब्लम नहीं है, तो आप नहीं जान पाते हैं। इसलिए आप सीधे मोबाइल ले लेते हैं, आप अच्छी क्वालिटी देखने उस पर से देख लेते हैं। क्योंकि दोस्तों आजकल तो सभी कवर लगाते हैं मोबाइल के अंदर, वहां पे आपको मोबाइल का कंडीशन होती है सब बिल्कुल नए की तरह लगता है और आपको बेवकूफ बना देता है। वहां पे आप मोबाइल ले लेते हैं मगर वहां पे आप नहीं देख पा रहे कि आपका सेंसर काम कर रही या नहीं कर रही, या आपका जो रैम है कितनी है, प्रोसेसर कितना लगा हुआ उसके अंदर, आपको कैमरा काम कर रही है कर रही है, टचिंग काम कर रहा है कि नहीं, बैटरी का लाइफ है या अच्छी नहीं है। तो इन सब को चीज को आपको नहीं पता है, मगर आज मैं कुछ ट्रिक देने वाला हूँ कि आप इस ट्रिक को यूज करेंगे तो जब भी आप मोबाइल खरीदेंगे तो ये ट्रिक आप यूज करेंगे उस मोबाइल के अंदर, तो आप जान पाएंगे कि हाँ मोबाइल ठीक है कंडीशन में, तो आप बिल्कुल ले लें। तो आप ये ट्रिक को यूज करने के बाद आपको खराब लगती है तो बिल्कुल ना लें। मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि ये ट्रिक को आप जरूर यूज कीजिए जब भी आप सेकेंड हैंड मोबाइल लें। तो दोस्तों आप किस तरह से ट्रिक को यूज करेंगे तो फिर ये वीडियो को देखते रहे, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है सितारे, आप देख रहे होगा टोगा चैनल। तो जब मैं देख सकता हूँ मोबाइल स्क्रीन पे आ चुका हूँ, तो मैं आपको बता दूं कि जब भी आप सेकेंड हैंड मोबाइल लें तो आपको एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना चाहिए, और वो एप्लीकेशन काफ़ी ट्रस्टेड और बहुत बेहतरीन से काम करता है। क्योंकि दोस्तों मैंने एक फ्रेंड को मैंने एक सेकेंड हैंड मोबाइल दिलाया था, वो मोबाइल एंड्रॉयड फ़ोन था, काफ़ी कंडीशन में था, उसको चेक करने के बाद काफ़ी अच्छा काम कर रहा था और अभी भी चल रही है वो। मेरी मानो दोस्तों ये एप्लीकेशन ज़रूर आप ट्राई करके देखेंगे, ज़रूर आपको इफ़ेक्ट पड़ेगा। और पहले से आप जैसे आप सेकेंड हैंड मोबाइल लेते हैं तो उनसे बेहतरीन आपको कंडीशन में मिलेगा और आपको मालूम पड़ जाएगा क्या चीज़ काम करता है और क्या काम नहीं कर रही है। तो सिंपल दोस्तों आपके पास प्ले स्टोर होगा, उसे ओपन कर लीजिएगा। ओपन करने का दोस्तों सर्च बार में सर्च कीजिए फोन टेस्टर, ठीक है, फोन टेस्टर हार्डवेयर इंफॉर्मेशन, ठीक है, उसको जो आप सर्च कर लेंगे तो आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो दोस्तों इसे ओपन कर लीजिए, तो आपको लगता होगा कि एप्लीकेशन फेक है, तो 1 मिलियन कैसे डाउनलोड किया, जब फेक रहा था तो 1 मिलियन पसंद लोग करते ही नहीं, इतना ट्रस्टेड तो होता ही नहीं है, उतना डाउनलोड करता ही नहीं है। और रेटिंग की बात करें तो 4.3 रेटिंग है, काफ़ी अच्छी ठीक ठाक रेटिंग माना जाता है। उसके बाद दोस्तों ये रिव्यू इसके बता दूँ तो यहाँ पे लिखा है गजब एप्लीकेशन, ऑसम एप्लीकेशन, ऑन वर्किंग बेस्ट एप्लीकेशन, सारा फीडबैक यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद दोस्तों इसे सैंपल इंस्टॉल कर लीजिएगा, और आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँ, वहाँ से भी आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं बड़ी आसानी से। उसके इंस्टॉल करने का सैंपल दोस्तों इसे ओपन कर लेंगे, ओपन करने का दोस्तों आपको सारा कुंडली यहाँ पे मिल जाती है। उसके बाद दोस्तों सबसे पहले आपको सिस्टम आपको मिल जाती है, CPU मिल जाती है, मीट टच टेस्टिंग मिल जाती है, बैटरी, कैमरा, कॉन्फ़िगरेशन, GPS, टेलीफोन, वाईफाई, सेंसर, सब कुछ आपको यहाँ पे एवरीथिंग आपको डिटेल आपको मिल जाती है। तो यहाँ पे सिस्टम को पहले इंफॉर्मेशन कर लेता हूँ कि क्या क्या इसमें डाला गया। तो दोस्तों ये इसका ब्रांड है ओप्पो, ब्रांड भी कभी कभी चाइना का माल एक ही किस्म का अभी लॉन्च होती रहती है, जो आपको कंफ्यूज कर देते हैं कि भाई सैमसंग है या क्या है, आपको नहीं पता होती है, मगर जिसको मालूम है उसको तो पता ही लगा ही लेते बिना एप्लीकेशन, मगर जिनको पता नहीं है उनके लिए यह वीडियो है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मॉडल नंबर, रैम कितनी है और कितना लॉलीपॉप है वर्जन है, सब कुछ यहाँ पे आपको डिफरेंस करके यहाँ पे मिल जाती है। उसके बाद दोस्तों और भी CPU की बात करें तो CPU भी आपको मिल जाती है, कौन सा काम कर रहा है कौन सा नहीं कर रहा है, आपको सारा यहाँ पे डीप होगा, डीप टैप का होगा, तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ सेंसर यहाँ पे काम कर रही है कोर, ठीक है, CPU काम कर रही है। उसके बाद दोस्तों मिल्ट टच, ये क्या है, जब भी आप टेस्ट करना चाहते हैं कि कहाँ पे टच हो रहा है, तो यहाँ पे सिंपल दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको नज़र आता होगा, जहाँ पे आपको यहाँ पे लाल कलर दिख रहा है और वहाँ पे आपको पता लग जाए कि हाँ पूरी जगह पे काम कर रही है, उसके आराम से टचिंग कर सकते हैं आप, चेक कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों जब भी मोबाइल ख़राब होती तभी बेचता है इंसान, उसके आपको टचिंग काम नहीं तो लेने का क्या फ़ायदा दोस्तों, उसे
रिजेक्ट कर दें। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बैटरी पिक क्लिक करेंगे तो बैटरी लाइफ आपको बता दी दे कितना चलती है, कितना वर्क कर रही है कि नहीं, वो आपको सारा डिटेल यहाँ पे मिल जाती है। गुड वर्क यहाँ पे आपको सारे कुछ। कैमरा को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कैमरा का आपको बता दीजिएगा कि कितना कैमरा है, कितना नहीं कैमरा है। उसके बाद अपनी इशारे से देख सकते हैं सब कुछ, टेलीकॉम नेटवर्क कितना डाउन होती है, अप होती है, कितना हाई रेंज में चलता है, एमआई है कि नहीं। कभी कभी देखेंगे दोस्तों, कभी भी आप चोर बाजार से लेते हैं या किसी से पास लेते हैं तो वहाँ पे एमआई का कभी कभी नंबर डिलीट किया रहता है। एमआई से कभी कभी मोबाइल ट्रैकिंग भी होती है कभी कभी। अभी के टाइम में दोस्तों कि ज़्यादा ही भारी भारी मोबाइल आता है तो ट्रैकिंग होता है तो एमआई को हटा दिया जाता है। तो इनके मदद से एमआई को चेक कर सकते हैं कि भाई कौन सा एमआई है कौन सा नहीं है। उसके बाद वाईफाई को टेस्ट कर सकते हैं। बस यही प्रोसेस है, आपको वाईफाई यहाँ पे पता चल जाता है कि कितना स्पीड चलती है और कितना डिफरेंस यहाँ पे सेटिंग मिल जाती है। बस इतना सेंसर को भी चेक कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पे। तो जब भी यहाँ पे सेंसर को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सेंसर पता चल जाती है, हाँ कि कौन सा सेंसर चल रहा है कौन सा नहीं है। तो इनके मदद से, ये एप्लीकेशन मदद से दोस्तों आप चेक कर सकते हैं अपने सेकेंड हैंड मोबाइल के अंदर, और जो आप सेकेंड हैंड मोबाइल लेते जब भी, तो ये वीडियो को देखने के बाद आप ज़रूर ट्राई करें एप्लीकेशन को उस मोबाइल के अंदर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये ट्रिक जो मैंने आपको बताया सेकेंड हैंड मोबाइल के बारे में, कि आप इस तरह से मैंने इन्फॉर्मेशन दिया आपको। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को थम्सअप दे दीजिए, कम से कम 50 लाइक तो बनती है दोस्तों। तो 50 लाइक करें, जरूर से जरूर इस वीडियो को 50 लाइक पहुँचाएँ। और उसके बाद आपके मन में जो भी सवाल सुझाव करना है तो मेरी कॉमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, मैं आपको अच्छी सी जवाब दूंगा। और आप वीडियो और भी अच्छी वीडियो बनाना आप बताना चाहिए कि ये टॉपिक पे वीडियो बताएं तो ज़रूर मेरे कमेंट में लिखें। अगर आप तो होगा तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और साथ साथ बेल आइकन को दबाएं। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से टिप्स एंड ट्रिक्स चैनल पे आते हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए जो बिल्कुल फ्री है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे किसी और एक्साइटिंग वीडियो के साथ। तब तक ख्याल रखिए, बाय।